नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा। हरियाणा में सरकारी ग्रांट में 5 करोड़ 23 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया ने अपने स्वैच्छिक कोष से अनुदान राशि देकर किया है। मंत्री सुखबीर कटारिया ने इस कोष से अपने चहेतों को जमकर रेवड़ियां बांटी, जो अब सवालों के घेरे में आ गई है और ये सारा खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए। केंद्र सरकार में लगातार सामने आए घपलों के बाद अब हरियाणा भी इन घोटालों से अछूता नहीं रहा है। जेबीटी भर्ती घोटाले के बाद अब नया घोटाला सामने आया है। गुड़गांव के विधायक और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया पर सरकारी ग्रांटों की बंदरबाज करने का आरोप लगा है। आरटीआई के तहत हुए खुलासे में सामने आया है कि सुखबीर कटारिया ने अपने चहेतों को जमकर रेवड़ियां बांटी हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि हरियाणा के राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को गरीब दिखाकर कई मलाईदार ग्रांट बांटी है। उन्होंने नियम और कानूनों को ठेंगा दिखाकर अपने चहेतों की संस्थाओं और स्कूलों को भी स्वैच्छिक कोष से कई सुविधाएं बांटी हैं। यही नहीं, मंत्री जी ने अपने कोष से ऐसे लोगों को गरीब दिखाकर अनुदान राशि जारी कर दी है जो हुडा सेक्टर में 500 वर्ग गज की कोठियों में ऐशो आराम से जिंदगियां जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गुड़गांव के जिला विकास और पंचायत अधिकारी से ये जानकारी मांगी थी। गुड़गांव के डीडीपीओ ने साल 2009 के अक्टूबर महीने से 31 मार्च 2013 के बीच मंत्री सुखबीर कटारिया की ओर से जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा दिया। इस ब्यौरे से साफ पता चल रहा है कि मंत्री जी ने किस तरह अपने मनमाने तरीके से इस सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया। ब्यौरे में जहां स्कूलों को 2 या उससे अधिक बार में 10 लाख या उससे ज्यादा की राशि जारी की गई, जबकि बड़े संस्थानों को महज कुछ हजार रुपए ही अनुदान के तौर पर दिए गए। दरअसल डीडीपीओ की ओर से आए इस ब्यौरे में मंत्री सुखबीर कटारिया ने हैप्पी मॉडल स्कूल को 23 लाख रुपए, एवीआर स्कूल को 16 लाख रुपए, लेडी फातिमा स्कूल को 13.5 लाख रुपए, शीतला विद्यापीठ को 17 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की, जबकि मेहरोली रोड पर करीब 5000 की संख्या वाले सरकारी महिला कॉलेज को सिर्फ 1,13,000 रुपए की अनुदान राशि 4 सालों में जारी की गई। वहीं मंत्री जी की तरफ से ऐसे संस्थानों को ग्रांट दिए गए जिन्हें आम जनता जानती तक नहीं है। इनमें से गुड़गांव के ही गुरु द्रोणाचार्य सेवा समिति को 17 लाख रुपए और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को 16 लाख रुपए दिए गए। आरटीआई कार्यकर्ता ओपी कटारिया के मुताबिक मंत्री जी ने अनुदान राशि की जमकर बंदरबांट करते हुए अपने खुद के मकान के पते पर किशन स्वरूप नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया। ये जो ग्रांट गुड़गावा गांव और गुड़गावा सिटी में जो बंदरबांट हो रहा था ग्रांट का, जो हर संस्था को किसी को 5 लाख 10 लाख 15 लाख, किसी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बच्चों से एक बहुत मोटी फीस वसूलते हैं उनको करीब 32 लाख, किसी को 23 लाख, इस तरह की ग्रांट दी हुई थी। तो हमने सोचा हमें कभी क्यों नहीं इनके ये पूरे ग्रांट की पूरी डिटेल मांगी जाए। तो वो डिटेल जो निकल के आई है उस डिटेल में जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। आम जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको ये ग्रांट पब्लिक के पैसे का मिसयूज हुआ है, जिस तरीके से पब्लिक के पैसे का मिसयूज हुआ है, वो चीज़ सामने तथ्य पब्लिक के सामने आए हैं। अभी हम जिन लोगों के पास ये सोसाइटीज़ के पास पैसे गए हैं उनसे हम उनकी आरटीआई लगाएंगे अब ये पैसा कहाँ भी यूज हुआ है, किस जगह यूज हुआ है। क्योंकि हैप्पी मॉडल जैसा स्कूल, ब्लू बेल जैसा स्कूल, डीव जैसा संस्था, लेडी फातिमा जैसी संस्था जो क्रिश्चियन मशीनरी चलाती हैं, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी पहले सारी फैसिलिटी मौजूद थी, उनको रिफंड देने की आवश्यकता क्या थी। इस
इस खुलासे के बाद बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कई राजनेता भी इस मामले में मंत्री सुखबीर कटारिया पर जमकर हमला बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मंत्री सुखबीर कटारिया से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं। गुड़गांव से मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। आरटीआई के तहत सामने आए इस घोटाले ने हरियाणा की विपक्षी पार्टियों को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है और प्रदेश का सियासी पारा ऊपर ला दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले सामने आए इस घोटाले के बाद विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि गुड़गांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मवीर गाबा भी मंत्री सुखबीर कटारिया से सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकारी ग्रांटों में हुए इस घपले के सामने आने के बाद हरियाणा में राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल अब इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी में लग गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले की जांच PFR के मुताबिक की जाए तो ये भी साफ हो जाएगा कि मंत्री जी ने जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय फर्जीवाड़े में शामिल चहेतों को बार बार अनुदान राशि दी। सुखबीर कटारिया ने अपने बहुत सारे चहेतों को सरकारी फंड का दुरुपयोग करके लाभ पहुंचाया है। उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों को भी 23 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए दिए हैं, जिनको इतना पैसा देने का कोई औचित्य नहीं था। कन्वेंट स्कूल को भी 13-14 लाख रुपए उसने दिए हैं और दूसरी तरफ ऐसे स्कूलों को पैसे देने के बाद गुड़गांव के बहरोली रोड पर स्थित महिला महाविद्यालय जो गर्ल्स कॉलेज है उसको केवल 1,13,000 रुपए दिए हैं 4 साल में। वहां पर 5,000 लड़कियां शहर की पढ़ती हैं जो कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार की और निम्न परिवारों की हैं, उनकी कोई मदद किसी प्रकार की करने का प्रयास नहीं किया। उमेश अग्रवाल का साफ साफ कहना है कि प्रदेश के खेल राज्य मंत्री ने स्वैच्छिक अनुदान राशि के नियमों की अनदेखी कर जनता के कोष का मनमानी ढंग से बंटवारा किया है जो कि एक व्यापक घोटाला है। सुखबीर कटारिया के पीए हैं, कुछ और इंडिविजुअल लोगों को भी मदद की है, कुछ फर्जी RWA बना करके उनको भी 15-15, 20-20 लाख रुपए दिया गया है। उन सब की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं फर्जी हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जमीन पर काम नहीं कर रही हैं, उन सब का भी हम आगे इंक्वायरी करके आपके सामने सारा पक्ष रखेंगे और इस सारे की हम बड़ी इंक्वायरी की मांग करते हैं। खास तौर से मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को जिसके ऊपर पहले भी कई प्रकार के आरोप हैं और अब सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप सामने आ गया है, वो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तुरंत बर्खास्त। वहीं इस पूरे मामले में जब गुड़गांव से 5 बार विधायक रह चुके धर्मवीर गाबा से बातचीत की गई, तो उन्होंने भी सुखबीर कटारिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बारे में SDM से बात करेंगे और पैसा कहां कहां लगाया गया है इसकी जानकारी लेंगे। ऐसा है कि पहले तो SDM से मैं पूछूंगा कि उसके पास ही एक बात कहता वो आती है कि हमने ये पैसा यूटिलाइज कर लिया प्रॉपर तरीके से, क्या उसने तफ्तीश की है कि भाई ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हुआ है, एक बात। नंबर दो, ये जो है ये इसका करैक्टर है दरअसल हेरा फेरी करने का या गलत बात करने का। अब आप बताओ कि इसका पैसा जो बांटा जाता है जो स्कूलों को ना दे के अच्छे अच्छे स्कूलों को देना ठीक नहीं बात। तीसरा, हम ये लेटर लिखेंगे अथॉरिटीज को भी कि इंक्वायरी करें इस बात की कि पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ है, कैसे हुआ है, किस बिना से आपने लोगों को इनको दिया है। अफसर कुछ तो होना चाहिए, लोगों को विश्वास तो हो। पूर्व विधायक धर्मवीर गाबा ने खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के चरित्र पर भी सवाल उठाया है और इस पूरे मामले की जांच CBI या विजिलेंस से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और सुखबीर कटारिया के इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं तो देखो जी इस बात पे सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ अथॉरिटीज का भी, इस आदमी का भी जो
गलत यूटिलाइज हुआ है पैसे का, जो नहीं होना चाहिए था। फिर लोगों को क्या यकीन रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ है कि नहीं? ये जो हम रखवाले हैं, गार्ड हैं लोगों के, क्या हम यूटिलाइज ठीक तरीके से कर रहे हैं? अब देखना होगा कि प्रदेश के राज्य मंत्री पर किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन इस घोटाले पर सरकार की जवाबदेही तो जरूर बनती है, वहीं इनेलो भी सरकार पर आम जनता की अनदेखी का आरोप लगा रही है। गुड़गांव से मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।